हेलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग बहुत अलग सा है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरे बच्चा का पहला जर्नी है अपना एजुकेशन की ओर, अपना करियर की ओर। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये ब्लॉग्स। तो जस्ट वी आर रेडी कि बच्चे को अब स्कूल भेजा जाए। तो बाबू अभी 2.5 साल का है और कीकू आज से स्कूल जाएगा। एंड इसका जो स्कूल का नाम है वो अवयुक्त है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और एक और ऐसी अच्छी वाली खुशी ये है कि जब भी ये कभी अगर देखना चाहेगा इस ब्लॉग को या कभी इसको मन करेगा कि मैं छोटा मैं कैसा गया था, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत मेमोरेबल बनने वाला है। तो ये चीज़ मुझे जब मैं बना रही थी तो यही चीज़ मैं सोच रही थी कि कभी अवयुक्त अगर अपने ब्लॉग को देखेगा तो उसे कितना प्यारा लगेगा कि मैं इतना छोटा था अभी। क्योंकि हम लोग भी जब अपना पहले का फ़ोटो वगैरह देखते हैं तो हम लोग को कैसा फील होता है, तो उसी टाइप में उसे भी लगेगा। एंड ही इज़ टू एक्साइटेड। इसको कुछ भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस ये जान रहा था कि हम रेडी हो रहे हैं और हमको कहीं लेके जाया जा रहा है। बट इसको ये टोटली अननोन है कि ये जाने वाला कहाँ है। तो बस इसका ड्रेस एक्चुअली इसका ड्रेस का जो डेट था वो 17 को था, बट पता नहीं हस्बैंड बोले कि चलो एक बार पूछ लेते हैं, बन गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 17 को ही लेंगे। तो हम लोग को इससे कुछ दिन स्कूल हम लोग अन यूनिफॉर्म में भेजना पड़ता, लेकिन पता नहीं भगवान भी चाह रहे थे कि ये स्कूल जाए एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म में। तो ये चले गए कि चलो एक बार पूछ लेते, देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो। इत्तेफाक से इसका हाफ ड्रेस जो सिल गया था और हाफ ड्रेस नहीं सिला था, तो हाफ ड्रेस जो सिल गया तो हम लोग फिर ले आए कि चलो एक ड्रेस इनफ है। तो बस लगे हुए हैं एंड बहुत एक्साइटेड हो रहा है और हम लोग के लिए भी बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था यूनिफॉर्म में, तो उसे अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इसका जो यूनिफॉर्म का प्रिपरेशन था, जो इसे तैयार करना था, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। और इसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था इस शूज़ में। इसको लगा कि इस तरह का शूज़ हमको क्यों पहनाया जा रहा है, ये अपना पुराना वाला शूज़ ही पहनना चाह रहा था। तो इसके लिए बहुत कुछ देर तक ये रोया कि नहीं हमको वही शूज़ चाहिए। तो और एक चीज़ अच्छा ये है कि हस्बैंड को भी वही टाइम में निकलना होता है, तो वो भी अपने ऑफिस के लिए वो रेडी हो रहे थे। और पहले तो उसको मैं तैयार कर ली एंड कुछ कुछ प्रिपरेशन ऐसा था कि मैं रात में ही प्रिपेयर करके सोई थी एंड प्यार भी आ रहा था। और फाइनली ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एंड अब मैं जा रही हूँ उसके टिफ़िन वगैरह जो लगाना है एंड उसका जो बैग वगैरह पैक करना है। तो फ़िलहाल बुक्स वगैरह नहीं लिया गया है और बैग्स में मैंने उसका बस एक रेड कोट रख दिया है और
जाओ बेटा। तो स्कूल आ चुके हैं और टिफिन में मैंने इसे बस एप्पल दिया है उसके आप पील निकाल के, और देखती हूँ बहुत एक्साइटेड था, बहुत अच्छे से चल रहा था उसको, थोड़ा स्लाइडर में चढ़ने को बहुत कोड़िया टाइप का है, उसको गोदी गोदी कर रहा था एंड बलून्स वगैरह देख के हम लोग उसे ऊपर चढ़ाए, उसको लगा कि हम कहीं बाहर जाएंगे बट फिर से उसको लगा ये कहाँ आ गया। तो इन्होंने जो एंट्रेंस वगैरह जो भी था क्लासरूम का, तो बहुत अच्छे से डेकोर करके रखे थे, और टीचर उनसे नाम पूछ रहे थे कि क्या नाम है उसका, अटेंडेंस वगैरह जो है वो बन रहा था एंड बेड वगैरह भी लगा हुआ, अगर सपोज दैट अगर बच्चे सो गए उसे नींद आ रहा तो उन्हें लिटा दिया जाएगा, और ये बार बार पापा के पीछे जा रहा है और बलून्स वगैरह मांग रहे हैं। तो अभी हम लोग फिर इसे यहाँ पे प्लेयर वगैरह होगा उसका अटेंडेंस वगैरह जो था हम लोग ने बना दिया, एंड यहाँ पे जो सिस्टर्स हैं उनको तीन शायद एक क्लास में मैम लगता है। तो आई होप इसका स्कूल जर्नी बहुत अच्छा रहे, और अभी हम लोग जस्ट प्ले मतलब जहाँ पे टॉय वगैरह रखे हैं वहाँ पे बच्चे लोग को लेके गया, और मेरा बच्चा तो बस ब्लॉक्स में इंटरेस्टेड था, बस उसे ब्लॉक्स ही खेलना था, उन समझ में नहीं आ रहा था मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो ये सारा लेटर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर रहा था, ब्लॉक्स वगैरह जिसके निकले हुए थे उसे ऐड कर रहा था उसके प्लेस पे। फिर यहाँ पे कुछ राइम्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे जिससे ये बेबी गर्ल बहुत डांस कर रही थी एंड सी इज़ लुकिंग सो क्यूट एंड लाइक अ बार्बी, तो मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी तो इसलिए मैंने ब्लॉग्स इसे ऐड कर लिया ब्लॉग्स में अपना, एंड ये गाना सुन के बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, राइम्स वगैरह बहुत अच्छा डांस कर रही थी राइम्स वगैरह पर।
तो खैर अब टाइम हो गया है ये लोग का घर जाने का, क्योंकि अभी जो स्कूल्स है वो हाफ एन आवर ही चला रहे हैं ताकि बच्चे इरिटेट ना हो, क्योंकि एकदम सीधा घर से वो स्कूल लाइफ तो वो जल्दी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से टीचर हाफ एन आवर अभी रख रहे हैं विद हर पेरेंट्स। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग टाइमिंग बढ़ाएंगे, हाफ एन आवर के बाद वो लोग शायद 1 आवर करने वाले हैं और प्ले वगैरह बस 2 आवर की ही होती है, तो ऐसा प्रोसेसिंग है। और फिर ये जहाँ जहाँ देख रहा है ब्लॉक्स वगैरह जिसका निकला हुआ है उसको फिल इन कर रहे हैं, और बस उनके पापा भी बगल में कुछ वो हेल्प कर रहे दे रहे थे, कुछ मैं भी हेल्प कर रही हूँ। तो खैर बहुत इन्जॉयफुल रहा, बहुत अच्छा लगा, और एज अ पेरेंट्स वी आर ऑल्सो हैप्पी और बहुत प्राउड फील अभी से हो रहा है। आई डोंट नो आगे क्या करेगा, कैसे हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे, कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, बट भगवान पे छोड़ दे रही हूँ, सब जो करे अच्छे से करे, सब कुछ अच्छे से मैनेजेबल रहे, एंड बस मैं अपना जो एफर्ट्स है अपने बेटे के पीछे मैं अच्छी तरीके से दे पाऊँ, दैट्स इट। तो खैर ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाह रही हूँ, तो खैर आप लोग इन्जॉय कीजिएगा लास्ट तक, एंड एक अच्छा सा विश कर दीजिएगा फॉर हिज करियर, और एक अच्छी सी ब्लेसिंग के साथ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये तो सोचा, अरे भागो रे स्कूल से, जल्दी से भागो भागो मतलब बहुत एक्साइटेड रहा। तो खैर बस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक बस फुल व्यू मैं दिखा दे रही हूँ स्कूल का। तो खैर अब चलती हूँ अपने घर की ओर, बाय बाय।